फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अपकमिंग शॉर्ट फिल्म। पहली बात हम नितिन आप जी आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है, आपकी पहचान उसी से, लेकिन अब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म, क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट रहेगा? सर प्रोड्यूसर चेंज हो गया? हाँ प्रोड्यूसर, एक्चुअली आई एम अ को प्रोड्यूसर, माय वाइफ आरती इज द प्रोड्यूसर, पैसा उनके पास है तो नहीं, आई थिंक इन द पास्ट ऑल्सो आई हैव सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड फ्यू शॉर्ट फिल्म्स एज वेल, तो ये हमेशा से कीड़ा तो था मेरे पास कि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी होना है, बिहाइंड द कैमरा भी होना है, और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है एलिफेंट इन द रूम, ये बहुत ही एक क्यूट प्योर इनोसेंट येट फनी थोड़ा डार्क कॉमेडी भी है, एंड इट्स कॉल्ड द एलिफेंट इन द रूम, एंड कुछ चल रहा है यहाँ पे, अच्छा अलग ही, अच्छा इनका अपना इंटरव्यू चल रहा है बट मैं सीरियसली जवाब क्यों दे रहा हूँ बिल्कुल, बट या दिस इज व्हाई यू नो वी आर हैविंग फन ऑल द टाइम, दिस इज जो अभी आप देख रहे हैं वो सेट पे ऐसे ही चल रहा था पूरा टाइम, मस्ती चल रही थी, एंड अ फैंटास्टिक कास्ट एंड क्रू, वी आर वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड टू हैव डेजी शाह एज आवर लीड, वैसे लीड तो सब लोग ही है, बट सभी लीड है एग्जैक्टली, बट नहीं एक्चुअली हम सारे पिलर्स हैं, हां वी आर द पिलर्स, द लीड इज गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, या तो इट्स अ फिल्म अबाउट गन्नू जी एज वी कॉल हिम वेरी क्यूटली इन द फिल्म, एंड देखिएगा 19 सितंबर को ऑन हमारा मूवी YouTube चैनल, और बताइए आपको कितनी अच्छी लगी, ये मैं बताना है अच्छी लगी कितनी अच्छी लगी वो जानना, जैसे कि गणपति बप्पा जी पर मूवी बनी है तो सबको ही अच्छी लगने वाली है। जैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप मूवी में काम कर चुके हो, आपका सॉन्ग भी आ चुका है, आप रियलिटी शो में भी काम कर चुके हो, लेकिन ये शॉर्ट फिल्म ऐसा रहता है कि शॉर्ट टाइम में आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है, स्टोरी बतानी पड़ती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, लोग कनेक्टेड हो सके, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। अब जैसे आपने कहा कि कम समय के अंदर आपको ऑडियंस को एंगेज करना है और उनको स्टोरी भी बतानी है, तो वो एक्चुअली वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, और वो जो काम है वो जो डायरेक्टर है वो उनका है, हमें बताया जाता है कि हमको क्या करना है, तो हमको जो सीन्स दिए जाते हैं उस पर हमें प्रॉपर एक्ट करना है, उसको कन्विंसिंग कैसे बनाना है वो एक्टर्स का काम है, राइट? एंड लकीली वी आई मीन वी गॉट सच अ गुड स्क्रिप्ट टू वर्क ऑन, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी आई मीन देखो जहाँ इंडिया की खासियत ये है कि हम इतने ज़्यादा सेंटी है चीज़ों को लेके, हम इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है हमारी चीज़ों को लेके, और जहाँ बात आती है गणपति बप्पा की तो बहुत सारे लोग पजेसिव होते हैं उनको लेके, जैसे अगर मुझे भी अगर किसी ने बोल दिया कि अगर मेरे सामने किसी को बप्पा को कुछ बोल दिया तो आई विल बी लाइक ये क्या बोल रहा है या क्या बोल रहे हैं ना, सो वी आर दैट पजेसिव, और हमारा सबका कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है उनके साथ, जैसे नितिन बोलते हैं कि किसी के पापा है या किसी की माँ है या किसी का भाई है या किसी की बहन है या किसी का बेटा है, यू नो सो हर एक ने अपना एक दर्जा दिया हुआ है उनको कि नहीं किसी की जान है, ओके किसी की जान, सो और ये फिल्म के अंदर हमने खाली ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम सब जानते कि पापा हमें सुन सकते जो भगवान में बिलीव करते हैं, राइट? ये फिल्म में हमने बापा से बातें करवाई है, और यू नो एक तो होता है कि हम माइथोलॉजिकल वे में जाए तो हमने सुना है कि हाँ भगवान कैसे ऋषि मुनि जी या ऋषि जी या माता मातोश्री और पूज्य पिताजी, और यू नो दीज आर हमारे बापा एकदम मॉडर्न है, हमारे बापा बाद भी आज की लैंग्वेज करते हैं, विच इज़ मोर कनेक्टिंग, मोर रिलेटेबल, और एलिफेंट इन द रूम का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सभी जानते हैं पर हम उसे एड्रेस नहीं करना चाहते, पर हमें एक एलिफेंट की मदद लगी वो एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करने के लिए, सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिल्म। जैसे कि अभी बहुत टाइम हो गया कि गणपति बप्पा पर बहुत दिन बाद या फिर बहुत साल बाद कोई मूवी बन रही है, शॉर्ट फिल्म हो लेकिन बहुत साल पहले ही बना था जो कि आज तक लोगों को पसंद है, और आप अभी जैसा कि आपने बोला कि ये गणपति बप्पा थोड़े मॉडर्न टाइप हो सकते हैं, तो ऐसा कह सकते कि इसमें काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा लोगों को? बिकॉज वी ऑल्सो बिलीव दैट एक भाषा होती है, मैं सच बताऊँ मैंने कभी कभी लोगों को इस तरह से प्रेयर करते हुए देखा है, और मैंने कब जब गणपति उत्सव आता है
मैंने सच में देखा है कि वो देयर वाज अ लेडी हु वाज यू नो ऐसे गणपति को कि बेटा मेरा लालू मेरा सोनू मेरा बेटा एंड कोई बोल रहा है कि ऐसा गणपति आ गया एक ब्रो सेल्फी. तो ये इतना इनोसेंट प्यार करने का तरीका है दैट हैज़ नो बाउंड्रीज. और हम सब कोशिश करते लाइफ में कि हमारा ये रिलेशनशिप माँ के साथ हो बाप के साथ हो सबके साथ हो कि दैट वी आर फ्रेंड्स कि मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ और मुझे पता है आप समझोगे मेरी बात. तो आई थिंक दैट इज़ वॉट वी हैव ट्राइड टू शो. हैविंग सेड दैट हमने कोशिश की कि रिस्पेक्टफुल रखें. वी हैव नॉट ट्राइड टू यू नो ऐसे मतलब गाली गलौज की तरफ कहीं भी नहीं किया और ऐसे अजीब अजीब डायलॉग नहीं दिए बट ह्यूमर रखा है हमने. बिकॉज आई थिंक इवन इफ यू सी बैक इन द डे आप अगर हनुमान जी बोलिए किशन जी बोलिए उनका ह्यूमर एक एक चंचल उनका स्वभाव था. इवन लोग ऐसे बोलते कि जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे. बिल्कुल उनको बिल्कुल हर कुछ भी चीज बनाते तो उनको पहले चढ़ाएंगे. एब्सोल्युटली हनुमान जी का सेंस ऑफ ह्यूमर लोग कहते हैं इतना अच्छा था. इनोसेंट कन्हैया अगर आप स्टोरी सुने कन्हैया जी की बचपन से उनका ह्यूमर क्यूट था. ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस गॉड्स. हां एब्सोल्युटली. और शिव जी आल्सो एट द सेम टाइम. नो शिव इज द मोस्ट सीरियस वन. नहीं नहीं शिव जी का थोड़ा डार्क ह्यूमर था बल्कि अच्छा था. तो ह्यूमर अगर आप नोटिस करें ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी चीज है जो सच में हमें इस वर्ल्ड में कायम रखनी है. इट इज़ द आई ऑलवेज इज द रियल वैक्सीन. तो ह्यूमर हमको हर जगह कोशिश करके डालना है बिकॉज आप ह्यूमर से आप ना बड़े से बड़ी बात आप अच्छे से बच्चों को भी समझा सकते हैं. तो हमने वही कोशिश करके वो प्योरिटी सैंक्टिटी और हमारे मन में कोई वो नहीं है कि हम ऐसा कुछ प्रूव करेंगे. तो इट्स जस्ट अ स्टोरी जो हमारे दिल से आपके दिल तक आएगी. ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप दोनों गणेश भगवान पे मूवी बना रहे हैं. क्योंकि अब तक जब मैंने नाम सुनी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद एलिफेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी होगी क्योंकि आजकल लोग एलिफेंट लवर भी बहुत ज्यादा हो गए. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. यस तो मुझे लगा तो बात करेंगे जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर का कोलैबोरेशन बहुत कम देखा गया है लेकिन इस बार आपने किया है. तो ये एक्सपीरियंस आप दोनों का कैसा रहा पर्सनली या फिर ऑफ बिहाइंड द सीन ऑफ तो आई थिंक ये पिक्चर का नाम बिहाइंड द सीन ही है. तो अगर आप बोलते ना BTS इस पिक्चर का इज द फिल्म. बट आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद डेजी. आई थिंक इन जनरल देखो दो चीज़ें होती है एक तो आप दोस्त हो और एक आप एक्टर हो. शी इज़ अ वेरी जेनरस एक्टर. शी इज़ अ वेरी यू नो क्या बोलते हैं सिक्योर एक्टर. वे शी डजेंट थिंक कि अरे क्या ऐसा तू ऐसा. तो आई फेल्ट दैट फ्रॉम हर एंड एज एन एक्टर व्हाट यू नीड इज ट्रस्ट. एंड आई थिंक शी वाज वेरी काइंड टू ट्रस्ट एवरीबडी कि यार तुम भी शाइन करो तुम भी शाइन करो तुम भी शाइन करो एक साथ हम शाइन करेंगे. तो दैट आई रियली एंजॉयड वर्किंग. वो इनसिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं थी. नहीं, जितने नहीं, भी सात जन जो काम कर रहे थे ये मूवी के ऊपर यू नो एवरीबडी वाज वांटिंग एवरीवन टू शाइन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. क्योंकि ये कहानी सात फ्रेंड्स की है और अगर इनको पता चल गया तो सात हुए ना क्योंकि हमारे दो कैरेक्टर दूसरे. ओके मैं एक्चुअली माइक दादा और मेकअप दादा को भी काउंट कर रहा था. गो अहेड गो अहेड गो अहेड. नो आई एम टॉकिंग अबाउट द मेड एंड या या ऑफ कोर्स. सो या हां व्हाटएवर. सो ये फिल्म जो है वो 6 या 7 फ्रेंड्स की है. तो लगभग 6-8-10 लोगों की फिल्म है. मतलब बोलते स्पॉट द फिल्म बीच में एक सेक्शन आएगा स्पॉट द एक्टर. ठीक है ओ पीछे सोफा के पीछे छुपा हुआ है. तो लगभग बढ़िया. सो या हर एक फ्रेंड को दिखना उतना ही जरूरी था कैरेक्टर समझने के लिए. 20 मिनट के अंदर अगर आप एक ही कैरेक्टर को 16 मिनट तक दिखाओगे तो बाकी 4 मिनट में बाकी कैरेक्टर्स को आप समझ ही नहीं पाओगे. सो इट इज अ वेरी इट्स अ आई वुड कॉल इट एन अंताक्षरी ऑफ कॉमेडी कि इसने पकड़ा इसने उठाया एक्चुअली जुगलबंदी जो इसने पकड़ा इसने उठाया. तो आपको किसी पॉइंट पे भी डल मोमेंट नहीं आएगा. तो इट्स कॉन्स्टेंटली इट्स क्रिस्प. वॉलीबॉल आपसे पूछना चाहूंगी जैसे कि ऑडियंस को हंसना पसंद है और आप लोगों को हंसाते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है आपके भी लाइफ में
कि आपको वो चीज़ नहीं करना है लेकिन आपको फिर भी वो जाके कॉमेडी करना है, लोगों को हंसाना है, तो वो चीज़ वो सिचुएशन आप कैसे फेस करते हो? तो पहले तो आप पेमेंट फुल में ले लिया करो, मेरा ये उसूल है, पेमेंट पहले ले लो, ठीक है? नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक एज अ कमेडियन मे आई वुड से माई यू एस पी इज़ द फैक्ट कि माई मेन मोटिव इज़ कि मुझे लोगों को हंसाना है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने जोक मारा आप नहीं हंसे तो नहीं, तो मैं वो चैलेंज लेता हूँ कि ये अंकल किस बात पे हंसेंगे, वो आंटी किस बात पे हंसेंगी। तो आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम माई शो इज़ एक मैगजीन ने लिखा कि वॉचिंग नितिन ऑन स्टेज इज़ लाइक वॉचिंग योर बेस्ट फ्रेंड टेलिंग योर स्टोरी। तो मेरा स्टार्टिंग से यही रहता है कि मैं आपसे इतना बातचीत में इतना क्लोज हो जाऊँ कि आप बोलेंगे तो आप घर का बच्चा है, बिकॉज एक बार वो हो गया ना तो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो देन दे विल लिसन। सो हाँ, कॉन्शियस भी नहीं होते हैं कि आपको पता है कि अपना ही बंदा है। तो माई थिंग विद कॉमेडी इज़ नॉट टू यू नो व्हाट यू कॉल ऑफेंड देम, बट टू बीफ्रेंड देम, बिकॉज एक बार दोस्ती हुई तो आपको पता है दोस्त कैसे बात करते हैं, तो दोस्ती यारी में सारी चीज़ें निकल जाती है। तो आई कीप इट वेरी वेरी ऑर्गेनिक, मतलब मैं शोज़ के लिए भी मैं पॉइंटर्स लिख के जाता हूँ और वहाँ जल्दी जाके, सो मेरा एक मंत्रा मैं हर बार करता हूँ कि बिफोर एवरी शो आई राइट 3 जोक्स ऑन द स्पॉट, शो के पहले मैं यहाँ कुछ देखूँगा देख के, मैं 3 शो एंड आई मेक इट अ पॉइंट टू डू दोज 3 जोक्स इन द शो एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं अपने को चैलेंज देता हूँ कि 3 जोक मुझे उसी वक्त लिखने, एंड सो फार टच वुड इट्स ऑलवेज वर्क टच वुड। कि आप तो हर चीज़ में हर चीज़ आप कर चुके हैं, रियलिटी शो या फिर आप, और लेकिन आपका पैशन डांस भी है, मैंने कहीं सुना था। मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर रह चुकी हूँ। That was your beginning of your journey, no? I was an extra. That was the beginning of my journey. And now she's extra special in the film. ये सब में आप किस चीज़ को ज़्यादा enjoy की है? अब जब आपका जो journey रहा है, सारी चीज़ें enjoy की है। To be very honest, मैं एक भी ऐसी नहीं बोलूँगी कि यार ये करके मैंने regret किया या वो करके मैंने regret किया, because हर एक काम ने मुझे एक नया एक्सपीरियंस दिया है, विच इज़ एडेड टू द पर्सन दैट आई एम, द वे आई एम टुडे। मुझे मूवीज़ ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे डांसिंग ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे रियलिटी ने बहुत कुछ सिखाया, और अभी शॉर्ट फिल्म में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, हैविंग अ डिफरेंट परस्पेक्टिव टूवर्ड्स थिंग्स, टूवर्ड्स पीपल, एंड just enjoy, yeah. Just enjoy thoroughly. Very important to that. बोला reality show ने भी बहुत कुछ सिखाया। आप उनका एक statement था जिसमें आप बोले कि खतरों के खिलाड़ी में मैं गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं बिग बॉस के घर। हाँ हाँ। तो ऐसा मतलब कैसा रहा आपका सफर कि आपको ये statement use करना? How much did you suffer in your suffer? That's because मुझे ऐसे लगा था कि मैंने stunt based reality shows sign किया है, तो जहाँ पे डिसीशंस जो होंगे या एविक्शंस जो होंगे या जो भी सारी चीज़ें हैं वो जैसे कॉन्वर्जेशन भी वगैरह होती है, जैसे रियलिटी शूट भी बोलते हैं जो हम, तो स्टंट्स को अपार्ट रख के बाकी सारी चीज़ें जो होगी वो बहुत ही मतलब यू नो फन न्यूट्रल जोन में होगी, पर कहीं कहीं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड वे में चली गई। लाइक आई पर्सनली फेल्ट के कोड रेड मुझे लगा वो बिग बॉस का एक्सटेंशन था, और स्टंट बेस्ड रियलिटी शोज़ में आपको वो डब्बे की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अंदर जाके आपको माइंड गेम्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको। ये स्टंट बेस्ड शो क्या होता है, जहाँ पे आप परफॉर्म करो, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल यू विल गो अहेड, एंड इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल यू विल गेट एलिमिनेटेड। बट इन दिस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर सीजन के अंदर फॉर्मेट उन्होंने थोड़ा चेंज किया था, जहाँ पे कोड रेड वेयर the contestants were asked to nominate the other contestants, you know, so I didn't like that. It's या तो आप stunt based show purely performance पे करो, या तो फिर बाद में या तो पूरा बिग बॉस का कॉन्सेप्ट लेकर आओ, contestants contestants को evict करेंगे, I didn't like that part. तो ऐसा कह सकते कि आपको ऑफर आता है बिग बॉस के आगे फ्यूचर में तो आप जाना पसंद करेंगे? देखो खतरों के अंदर ना 2% बिग बॉस आया था और उससे छोटा बॉस, हाँ उससे मैं खुश नहीं थी। ओके, तो पूरे वाले बिग बॉस में मुझे जाने का कोई 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 इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक्चुअली 3 साल से बिग बॉस से फोन आ रहा है कि आप मत आओ, खास मुझे फोन करके बोलते हैं आप प्लान कर रहे हो तो मत प्लान करो, मत आओ, मत आओ, मत आओ। क्यों ऐसा?
मैं चले जाऊंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल आएगा मैं चले जाऊंगा. लाइक शी सेड, अभी राइट नाउ आई थिंक बोथ ऑफ अस आर ऑफ द थिंग दैट वी आर सडनली बिकमिंग दोज पीपल हु लव टू लर्न. यू नो जैसे आपका सवाल था कि ये सब चीज़ें ट्राई की, इट्स लाइक अ जिम में जाते हैं ना, तो बॉडी बनाने के लिए आपको लेग्स करना है, बैक करना है, आर्म्स करना है, तभी द बॉडी ऑफ वर्क विल शो. तो यू कांट से कि अरे यार अब मैं लेग्स नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा. तो आई थिंक ओवरऑल टू मेक अ गुड बॉडी, मेटाफोरिकली अ बॉडी ऑफ वर्क, यू हैव टू जस्ट बी ओपन. देयर इज अ ब्यूटीफुल कोट आई रेड समवेयर दैट सेज दैट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज टू क्रिएट, एंड वी आर आर्टिस्ट. तो जहाँ मौका मिलेगा टू क्रिएट समथिंग हम क्रिएट करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि ये गणपति बप्पा पर आपकी शॉर्ट मूवी है जी. तो ऐसा कोई आप मूवमेंट शेयर करना चाहेंगे जहां आपको लगा कि नहीं मेरे साथ इस वक्त गणपति बप्पा जी हमेशा है, कोई ऐसा एक मूवमेंट हर लोगों के लाइफ में रहता है. सेट पे हुआ है, बता आप बताओ. चलो ये वाला स्टोरी आप मैंने बताया ऑलरेडी आप तो सवाल सवाल के बता रहे हैं स्टोरी मत. तो okay, let me build it up for you, then you jump in. You're better at it, yeah, to explain it by not saying it yeah, exactly what it then, is. But then you jump on. तो हमारे फिल्म में एक एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे कुछ होना था, कुछ deliberately हमें करना था पर हम hesitate हो रहे थे, कर रहे थे ये कैसे करें. और frankly speaking सबने हाथ उठा दिए कि भैया ये नहीं हो सकता, ये हम तो नहीं करेंगे. और लिटरली पंडित जी को भी हमने इन्वॉल्व कर दिया, ये कैसे करें. पंडित जी बोले मुझे नहीं पता. तो हम सोचे तो अभी पंडित जी को भी बोला था, पंडित जी आप ही तो बोले हाँ, मैं नहीं कर पंडित जी कह रहे मैं नहीं कर सकता. तो हम बोल रहे हैं भाई शिफ्ट जा रही है, शूट कैसे करें. तो उन्होंने कहा फिर मत शूट करो. तो हमने बोला तो फिल्म छोड़नी पड़ेगी बीच में उस हद तक. जो चीज करनी थी वो अपने आप हो गई. वेर आई जस्ट गॉट अप सेइंग दैट मैं आती हूँ एंड आई ब्रश्ड हिम, माई आर्म ब्रश्ड बापाज मूर्ति एंड व्हाट वी वांटेड इट जस्ट हैपेंड. तो वो आई थिंक लिटरली ये जो आपका सवाल था इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. वी ऑल हम लोग ने सब मोमेंट में ना एक साथ एक दूसरे को देखा एंड वी ऑल न्यू कि बप्पा इज हियर इन दैट मोमेंट. बिकॉज जो हुआ इट वॉज अ मिरेकल, वो नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है. And नहीं हो सकता. इट ऑलमोस्ट टुक मी लाइक 20-30 मिनट्स टू नॉर्मलाइज. बोले शिट मेरी वजह से हुआ. एंड देन ऑफ कोर्स माय गॉड, मतलब अब जो मतलब जितने भी सेट पे जितने भी यूनिट के लोग थे बोले हम नहीं करेंगे. इनफैक्ट सबने हाथ उठा दिए थे. मिले एंड दैट थिंग अगर देखा जाए हिंदुइज्म के हिसाब से तो इट्स लिटिल इनऑस्पिशियस बट इट जस्ट हैपेंड एंड आई वाज आई रिमेंबर सिंग दैट ओके ना क्या होगा मैं क्या करूं मैंने नहीं माय इंटेंशन वाज नॉट टू डू दैट बट सो या इट इज इनऑस्पिशियस इफ यू समबडी डज इट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये कैसे हो नहीं सकता. तो नहीं हो सकता. तो जब हुआ तो वी सेट की लाइक दिस इज अ ब्लेसिंग कि बप्पा जी ने खुद कहा कि डोंट वरी तुम लोग संकट में हो, मैं आके सॉर्ट करता हूँ, तुम शूटिंग आगे बढ़ा. बप्पा जी खुद ही आपके साथ. बिल्कुल एब्सोल्युटली. फिल्म जो है वो फाइनली वो सक्सेसफुल होगा. बिल्कुल. तो लास्ट टाइम में जैसे कि आपको मैंने आपको बोला कि मुझे आपका जो कॉमेडी का अब हर रोल में फिट हो जाता है जी, उनको दिखाना मत प्लीज. नाना जी आई लव यू. नाना इज अ बिग बप्पा फैन है बाय द वे. हां वेरी नाइस, वी शुड इनवाइट हिम. अच्छा है आ गए फिर से मेरा इंटरव्यू लेने. लोग एक एक माइक लाते हैं, यहाँ पे चार चार रखे हैं, क्यों? कैसा चौगलापन है ये. बट मैं कहना चाहता हूँ 19th ऑफ सितंबर को हमारी मूवी रिलीज हो रही है. ए डेजी बोलना क्यों नहीं बोल रही तू? इतना सिखाया तुझे. छोड़ मैं बोलता हूँ. एलिफेंट इन द रूम पिक्चर का नाम है और ये कौन सा कमरा है जो एलिफेंट आ रहा है उसके अंदर. बट डोंट वरी द मूवी इज बेस्ड ऑन गणपति बप्पा मोरिया. तो देखो पिक्चर 19 सितंबर हमारा मूवी. हमारा अकेला तुम्हारा नहीं है, हमारा है. देखते रहो. आई लव यू. गो टू स्लीप.
थैंक यू।